सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइज, आपको हमारे इस चैनल प्रकाश मोटो ब्लॉग पे स्वागत करता हूँ। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं ना एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। मे बी आपको भी ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है फ्यूचर में। सो मेरे पास एक पाइन पक्स का गिफ्ट कार्ड आया है। सो इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ये गिफ्ट कार्ड है पाइन पक्स का, रुपये का डेबिट कार्ड के जैसा होता है वो है। सो मैंने इसको यूज़ करने से पहले मैंने भी यूट्यूब पे इसको यूज़ कैसे करते हैं वो वीडियो सर्च किया था। सो वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन सही लगा था। सो उसके बिहाफ पे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे कहाँ करना है। सो ये जो गिफ्ट कार्ड है आपको कहीं से भी कोई भी दे सकता है। मुझे मैं रियल इस्टेट में हूँ, मुझे बिल्डर के साइड से ये गिफ्ट मिला था। तो सो गाइज, कुछ इसके अंदर क्या है वो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे पास ऐसा दो है 99K का, एक्चुअली 10K का था। तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपका इसमें टैक्सेस वगैरह कट करके 99K का दो है। तो एक को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, क्या क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो ऑलरेडी मेरे पास ये एक ओपन किया हुआ था, तो इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आता है इसके बॉक्स के अंदर, सॉरी ये लिफाफे के अंदर में। सो इसके अंदर में आपको एक ये डेबिट कार्ड मिल जाएगा, मतलब डेबिट कार्ड नहीं, गिफ्ट कार्ड बोलते हैं इसको, एटीएम कार्ड के ही जैसा है। यहाँ पे आप देखोगे तो गिफ्ट कार्ड ही लिखा हुआ है, तो ये गिफ्ट कार्ड के जैसा आपको मिलेगा। एक्चुअली ये एटीएम कार्ड के जैसा है। सो जैसा कि एटीएम कार्ड पे डिजिट रहता है 16 डिजिट वो, और पीछे CVV नंबर। सो मैंने ये यूज कर लिया है, सो मुझे कुछ टेंशन नहीं है इसको दिखाने में आपको। तो ये देख सकते हो ऐसा था, और इसके साथ जो एटीएम कार्ड का जो पिन आता है, एटीएम जैसे बैंक का एटीएम आता है, तो वैसे आपको यहाँ पे ये पिन दिया हुआ है, पिन आया हुआ है 4 डिजिट का। वो हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं, पर मुझे रीसेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि वन टाइम मुझे यूज करना था इसको, तो मैंने वन टाइम स्वाइप करके इसको यूज़ करके ख़त्म कर दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, ये 0 बैलेंस का है अभी। सो 2-3 दिन हो गया मुझे इसको यूज़ करके। और इसमें एक ये लेटर टाइप का आता है, ये लेटर पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखा होता है कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हाउ टू रीसेट पिन वगैरह कर सकते हैं ना, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। सो वो देख सकते हो, और यहाँ पे कार्ड नंबर, रेफरेंस नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, और पीछे में कुछ इसका टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, वो पढ़ सकते हो, बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। सो आई लव यू डीन इट। सो अभी इसको एक्टिवेट वगैरह कैसे करना है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। सो मैं बताता हूँ आपको एक्टिवेट वगैरह कैसे करना है। सो ये लेटर था और ये कार्ड था। सो सबसे पहले ना, आपको अगर ये गिफ्ट कार्ड मिलता है, ऐसा गिफ्ट वाउचर भी आता है, अगर आपको गिफ्ट कार्ड मिलता है या फिर गिफ्ट वाउचर भी मिलता है, तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जो पाइन पक्स का ऐप होगा। वो आपको इस पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ़ोन में मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। वहाँ पर आपको नॉर्मली जो हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के उसमें अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना है। और कुछ ऐसा ऐप का इंटरफेस है, तो ये ऐप था। तो यहाँ पे मैं आपको ऐप दिखाता हूँ, ये ऐप है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसमें ये ऐप है। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और आप अपना अकाउंट बना के लॉगिन वगैरह कर लेना। और इसमें कैसा है ना, आपको अगर कोई कार्ड देता है तो उसका एक्टिवेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मे बी आपको हो सकता है कोई एक्टिवेटेड कार्ड भी दे दे, तो वो भी सही आपके लिए, वो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है ऑप्शन। मुझे ये जो कार्ड मिला था, ये एक्टिवेट होने में ये कार्ड को 1 वीक लगा था। सो 1 वीक के बाद ये कार्ड एक्टिवेट हुआ था, और एक्टिवेट होते उसके 2 दिन बाद मैंने इसको रिडीम कर दिया था। तो आपको ये एक्टिवेट होने के बाद ना, आपको मैसेज आएगा पहले, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस, मुझे कि कौन से कंपनी से कार्ड मिला है, कितना इसमें अमाउंट है, कार्ड नंबर का लास्ट और रेफरेंस नंबर वगैरह आएगा ऐसा मैसेज में। सो ये हमने यूज़ कर लिया है, सो मुझे कुछ टेंशन नहीं है। सो ऐसा कुछ आपको मैसेज आता है एक्टिवेशन होने के बाद।
और मैंने इसको रिडीम किया है, उसका भी मैसेज है। सो ऐसा कुछ मैसेज आता है, सो आप इसको रिडीम कर सकते हो। और आपको अगर ऐसा डेबिट कार्ड मिलता है तो आप ये नहीं कि आप सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आप इसको कोई भी शॉप में जो रुपए का वो जो स्वाइप मशीन होता है ना वो यूज़ करता है, तो आप इसको स्वाइप कर सकते हो। हो सकता है आपसे 2% या 2.5% या 3% तक चार्ज करे इसको स्वाइप के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड से हम लोग स्वाइप करते तो उसको उस पर चार्ज लगता है वैसे। तो इस पर मुझे ना 2.5% ना उसने चार्ज किया था, तो ऑलमोस्ट मेरा 18,000 पे 450 रुपीज़ मेरे से चार्ज लिया था उसने, तो मैंने चार्ज पे किया था उसको, तो मैंने नेगोशिएशन करके 400 रुपये उसको दिया था। तो आप इसको होटल में या फिर कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह मॉल वगैरह में शॉपिंग में यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे यूज़ हो जाता है। मुझे जैसा कि मैंने यूट्यूब पे इससे रिलेटेड एक वीडियो देखा था तो वहाँ पे बताया नहीं गया था कि इसको हम शॉप में वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। सो हम वहाँ पर ऑफकोर्स शॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको कुछ रिलेटेड इशू हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो नीचे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो ये था कुछ आज का छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी इसका ज़रूरत है इससे रिलेटेड। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय and take care।